अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से हैं। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, हमारे नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। एंजॉय माय वीडियो, कमेंट करके जरूर देगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगे। ट्राइस की पिक्चर भी हमारे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। हमारी वीडियो को जरूर लाइक किया करें, टू लाइक तक जरूर पहुँचाया करें। रुके रुके कहाँ जा रहे हैं, फुल वॉश तो करें। इतनी मेहनत से बनाई है, फुल वॉश करने का हक तो बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय रेसिपी बॉक्स। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमे वाले करेले, यानी कि फिलिंग करेले। इसके लिए हमने लिया है बीफ मेंस लिया मैंने, तकरीबन मैंने हाफ के जी ये लिया है, और हाफ के जी मैंने अनियन लिए हैं जो मैंने इस तरीके से बिल्कुल स्मॉल कटिंग की है इसकी, और करेले लिए और इस तरीके से कटिंग करके, और इनको मैंने ना सॉल्ट लगा के रखे हुए थे जो मैंने वॉश कर लिए, सॉफ्ट हो गए हैं। और ये इनके ऊपर वाला जो छिलका है ना, ये भी मैं इसकी जो बाद में जो मसाला जो फ्राई करते हैं ना उसके अंदर मैं ऐड करूँगी। स्पाइसेस में मैंने लिए है 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून टर्मेरिक, रेड चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, करेंडर और क्रियूमन 1 टेबलस्पून, ग्रीन चिली 4 से 5, ये भी मैंने स्मॉल साइज़ में मैंने इसको क्रश किया है, 1 से 1.5 टेबलस्पून मैं ये लूँगी गार्लिक और जिंजर गार्लिक पेस्ट है ये लूँगी, और अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट है। लार्ज साइज़ का मैंने टमाटर लिया है। और आए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक मिक्सिंग जार लूँगी, इसमें मैं डालूंगी मिक्स डालूंगी कि जितना मैं चाहिए। स्पाइसी इसी में मैं ऐड करती रहती हूँ। टमाटर इसमें मैं नहीं ऐड करती हूँ, वो मैं बाद में इसमें ऐड करूँगी, और फ्रेश करेंडर है वो भी मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी। मुझे इस तरीके से मिक्स करती हूँ। सॉरी, इसमें अनारदाना डाला मैं, वो भी डाल लेती हूँ, वो हम ज़रा भूल गए हैं। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं इसमें अनार दाना डालूंगी। आप फ्राई करके तो आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त रहते हैं।
आप इस तरीके से थ्रेड लेके आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और नीडल लेके नीडल से भी आप कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा परफेक्ट लगे आप कर सकते हैं। गर्मियों की बहुत ही ये अच्छी सब्जी है। ये देखिए इस तरीके से करते हैं हमने जो है बिल्कुल आपने जो फ्लेम है बिल्कुल स्लो रखनी है, ज़्यादा तेज़ रखी तो बिल्कुल ये जल जाएंगे, आपने स्लो रखना, स्लो पे करेले फ्राई करने। ये देखें बिल्कुल बहुत अच्छे फ्राई हो गए हैं, अब हम दूसरा मसाला फ्राई करते हैं। सबसे पहले मैं इसका अब ये फ्राई हो गया, अब मैं इसके अंदर कीमे वाला ना मिक्सचर सारा ऐड करती हूँ। साथ में टमाटर ऐड कर देती हूँ। इस स्टेप पे आगे क्योंकि हमने वो उसके छिलके भी डाले हैं और अनियन भी और ज़्यादा डाले हैं, मुझे थोड़ी सी मिर्ची और नमक कम लगा था मैंने वो इसके अंदर ऐड की है, तो अगर आप इस तरीके से कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया, मैं अब आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त बने हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। आप बनाकर इस तरीके से आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब मर्ज़ी निकालें, इनको ओवन में गर्म करें और बिल्कुल ही बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, बिल्कुल फ्रेश जैसे आप फ्राई किए हैं इसी तरीके से आपको इसका टेस्ट आएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
बेल लगा पर इसका नमक भूल गया, हमारी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप हमारी वीडियो को जरूर टू लाइक तक जरूर पहुँचाया करें।